एक दिन यह ट्रेन फिर से बंद कर दी जाएंगी। शायद मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, पर उम्मीद है मेरी तस्वीरें बहुत मदद करेंगी। तुम ठीक हो? जी हाँ, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। ये पब्लिक में नंगा घूमना पसंद करती है, जबकि वो एक अच्छे परिवार से है। किसी को भी दरवाजे पे नहीं खड़ा होना है। इस बार छुट्टियां मनाने के लिए दिल्ली जा रही हो प्रोफेसर? नहीं, इस बार मैं दिल्ली से और थोड़ी दूर जा रही हूँ, शिमला जा रही हूँ। मास्टर डिग्री करने के लिए शिमला यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। आप उस आदमी को जानते हैं जिसके हाथ में कैमरा है? वो एक फोटोग्राफर है, इंडिया का जाना माना। वो यहाँ की खास तस्वीरें खींचने आया है, अब दिल्ली वापस जा रहा है। इतनी जल्दी जा रही हो जाने मन? ए लड़की वो बिंदास है, सफर भी हमारा बिंदास रहेगा। अरे ये लड़की मुझे पसंद आ गई और मैं अपनी इस पसंद पर मर मिटूंगा, कूद जाऊंगा। सैया आ गई जी। सोचा नहीं था कि इतना सुहाना सफर होगा हमारा। तुम क्या कहते हो यार? बहुत मस्त माल है यार। हाँ ये तो कुछ नहीं यार, आगे आगे देखो, तुझे गुल खिलाएंगे मेरी जान। एक्सक्यूज मी, यहाँ तो दादियां भी बहुत सुंदर हैं। शर्मिला तुम यहाँ? ओह फिर पुरानी कहानी। बहुत शानदार है। सिर्फ कुदरत की तस्वीरें ही मत लो, यहाँ बहुत सी खूबसूरत औरतें भी हैं लेने के लिए। अभी आइडिया के लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि ये माल हमारे लिए ठीक है, हो जाए। ओ जाने मन, जरा गौर से देख तो लेने दो। इसे लेना पसंद करोगी? कब खत्म होगा ये? क्या कब खत्म होगा ये सब? क्या सब? ये चाहत। Never.
हिलना मत। गुड आफ्टरनून दादी माँ। क्या? मुझे एक लड़की की तलाश है। इतनी हिम्मत? तुम शायद जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। नहीं दादी माँ। रुको, तुम किसे पुकार रहे हो दादी माँ? एक्सक्यूज मी सर। प्लीज सर, मुझे एक लड़की की तलाश है। आवाज मत करना। ओ, मुझे याद आ गया, वो एक खूबसूरत लड़की है। मैं उसके साथ कैबिन में थी, फिर वहाँ कुछ गुंडे आ गए तो मैं निकल आई वहाँ से। पर पता नहीं वो लड़की वहाँ क्यों रुक गई। कौन से कैबिन में? उसी कैबिन से जहाँ से मैं आई, तीसरा कैबिन। जाने दे। मैं किसी की दादी माँ नहीं हूँ। अबे ये खोल नहीं रहा है। जाओ गुंडे बदमाश। ये पकड़े गए दादी माँ। हेलो हेलो सिक्योरिटी, हमें अगले स्टेशन पर पुलिस की जरूरत है। क्या मैं मुझे भी ये चाहिए। ओके प्लीज। देखने में स्वादिष्ट लगते हैं। स्टेटमेंट देने के लिए शुक्रिया। अब दिल्ली के लिए और कोई ट्रेन नहीं है, पर मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ आसपास की जगह बहुत खूबसूरत हैं,
मेरे साथ चलोगी? मैं नहीं चल सकती, मुझे कैसे भी 3 दिन में शिमला पहुंचना है। कम ऑन, पसंद करोगी? पता नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। तुम्हें थोड़ी ताजगी की जरूरत है और थोड़े फन की भी। कल दोपहर को तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। दोपहर? जगह पर कब से हो जोस? मैं करीब 1 महीने से यहां पर हूं और पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें देखा। कैसे? लेकिन मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा। अभी दिखाता हूं। थर्सडे मॉर्निंग मैं टहल रहा था, मैं तस्वीर लेना चाहता था इस खूबसूरत शहर की। तभी मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की एक घर से निकलकर गली में आगे बढ़ी। इस तस्वीर को देखो। मेरा घर? मैं लगातार तस्वीरें लेता रहा पर मैंने तुम्हें खो दिया। और फिर एक दिन दोपहर को मैंने तुम्हें ट्रेवल एजेंसी के पास देखा। तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? Well, not really. अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कल हम थोड़ा घूमने के लिए चलेंगे। मैं अपनी ट्रेन मिस नहीं करना चाहती। तुम मिस नहीं करोगी, अभी टाइम है। मैं तुम्हें बहुत सी खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ, मेरी खास जगह। सी यू टुमारो। शर्मिला, क्या है? आ जाओ। मैं अपनी ट्रेन मिस नहीं करना चाहती। रुको ना, हम कोई दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब और अपने प्लान्स, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम कल ही मिले हैं और जिंदगी का ये फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकती हूँ। मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। कौन हो तुम? क्या एक बहुत ही अच्छी प्रोफेसर या एक वेश्या जिसने मौका मिलने पर अच्छा समय बिताया और चल पड़ी? बताओ कौन हो तुम? स्टॉप, भगवान के लिए चुप हो जाओ। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था।
मैं तुम्हें चाहता हूँ। I love you। मैं जानती हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे वेश्या कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई? ये मेरी बहुत बड़ी नादानी थी। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, मर्द ये क्यों नहीं समझता कि औरत को भी सेक्स की उतनी जरूरत होती है जितनी उसे। मैं मानता हूँ, पर मेरे मामले में नहीं। तुम तो मेरी चाहत बन गई हो और मैं तुम पर फिदा हूं जाने मन। मुझे यकीन है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कल रात को मैंने उसे धक्का दिया, उसने मुझे धक्का दिया और फिर हमें उसके ऊपर, वो मेरे ऊपर। हे रोजी, कौन सा रेप सॉन्ग सुन रही हो? बड़ी मूड में लगती हो। हे, तुम नहीं जानते मैं क्या बात कर रही हूँ। कभी तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी तो जान जाओगे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि कोई चढ़े मेरे ऊपर। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। तुम चढ़ के तो देखो। तो बहुत मजा दोगे? बिल्कुल दूंगा, बहुतों को दे चुका हूँ। अरे पता नहीं क्या होने वाले, मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं, देखते हैं। हाँ वो तो है, कॉम्पिटिशन तो अच्छा चला। अरे वो लड़की को देखो ना, कितनी स्मार्ट है वो तो। अच्छा तुम भी आई हो यहाँ पे ऑडिशन के लिए? अच्छा अच्छा। ओह बिली, मुझे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से कर रही हो मिस रोजी। मुझे लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी, समझ गई? अच्छा पहले सीन के लिए तुम्हें काम मिलेगा। पर उसमें तो डायलॉग्स नहीं है, मैं करना नहीं चाहूंगी। यस बेबी, तुम्हारी कमर और लचक पूरी जानदार है। हाँ फिर भी मुझे तुम्हें चेक करना ही होगा। अच्छा? आगे आगे भी हमेशा मुझसे बात कर सकते हैं। खुश करूंगी। मैं हमेशा इसी लाइन में मिलूंगी। हाँ फिर से कॉल कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा आपको मेरी आवाज पसंद है? आप मुझे मिलेंगे तो आपको सब पसंद आएगा। ओके। ओ तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा ठीक है, सुनो मैं कुछ और बोलती हूँ। अच्छा हाँ, शायद उन्हें पसंद आए। तुम कहना चाहती हो? हाँ मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगी। ओह तुम कर दो ना जाने मन। हेलो, कोई बात करना चाहेगा? हाय मैं किम बोल रही हूँ, मैं मैथ्यू से बात कर रही हूँ। हाय संदीप, मैं लैला बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी हाइट 5'6" है और मेरे लंबे घुंघरालू बाल हैं। आवाज अच्छी है, आज क्या पहन रखा है? एक स्कर्ट और स्पैगेटी पहना है। और तुमने क्या पहना है राहुल? संदीप। ओह संदीप,
एक्चुअली मैं अपने एक ख्वाब के बारे में सोच रही थी जिसमें मैं एक शहर की राजकुमारी हूँ और मेरे रोजी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अरे उसे फंसाओ जल्दी। हाँ मैंने सोचा कि मेरा ख्वाब उससे ज्यादा अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी, आप अपना काम करें तो बेहतर होगा, ये एक धंधा है ना कि किसी बदन की नुमाइश। सिर्फ बातों से ही कस्टमर को फंसाना होता है, समझ गई? और अगर तुम सब इसी तरह से बात करोगी तो कोई भी कस्टमर फंसने वाला नहीं। ओ, तुम नहीं जानते, एक दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। हाँ सच कह रही हूँ। ओ या, कोई मुझसे बात करने के लिए है लाइन पे? हाय बॉबी, मैं कैरोलिन बोल रही हूँ और मैं एक बच्चे की मॉम हूँ और मैं सिर्फ 29 की हूँ। रोजी, अगर तुम्हारे पास बेबी है तो भी बताना नहीं चाहिए? हाय, मेरा नाम ट्रेसी है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम कुछ भी हो, तुम तो काम की हो ना। ओ, मैं खूबसूरत और सेक्सी हूँ, मेरे लंबे बाल हैं और मैं 5'5" की हूँ। इतनी लंबी? ओ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं एक आइलैंड की प्रिंसेस हूँ और मैं सारे हो गया। देखो अब मैं बार बार ये बात नहीं दोहराने वाला कि क्या क्या बताना है और कस्टमर से क्या क्या बोलना है। अगर कस्टमर को पटाना है तो उसकी फैंटेसी जाननी होगी, अगर वो काली चाहता है तो उसे काली दिखाओ। सुनो मिस्टर टीम लीडर, मैं तुमसे बात करना चाहूंगी, मैं तंग आ चुकी हूँ। लोग सोचते हैं कि जो गोरी लड़कियां हैं वही लोगों को खुश कर सकती हैं और मर्दों को भी लगता है कि गोरी लड़कियां ही सेक्सी होती हैं, जैसे कि काली लड़कियां कुछ नहीं होती। एक्सक्यूज मी, पर हमारे धंधे में झूठ बोलना ही असली है। पर हमें वही झूठ बार बार क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि यही तो हमारा धंधा है। उन्हें हम ये देते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे कॉल करते हैं और जो हम लोग कहते हैं वो मान लेते हैं। ये वो नहीं चाहते और ये मैं नहीं चाहती हूँ। हेलो, मेरी सपनों की मालिका। शिट, वो कॉल तो ऑन था। खुद गेस करो और जाके बात करो। हेलो, हाय। हेलो, लगता है मूड में नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक असली मर्द जो मेरे ख्वाबों को सुने और इसे पूरा करके दिखाए। ये कैसी बातें कर रही हो जानेमन? मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। उससे कहो कि हमारे पास 100 लाइंस हैं। मेरा नाम है काजोल और अगर तुम यहाँ कॉल करोगे तो वो मुझे सीधे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं खास हूँ। अच्छा ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो? नहीं पर मैं कहाँ हूँ ये बता नहीं सकती हूँ। कुछ तो बताओ। यही सोच लो कि मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में हूँ। क्या तुम मलिका शरावत की तरह हो? मैं हो भी सकती हूँ। क्या तुम्हें मलिका शरावत पसंद है? तुम्हारा नाम क्या है? सोच लो जॉन अब्राहम। मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया में बसना चाहता हूँ। ठीक है, क्या तुम सच में सुनना चाहोगे? हाँ सचमुच। ठीक है, मैं एक देश की रानी हूँ, बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी भी। और मेरे गुलाम हैं हजारों। मैं अपने महल में आराम कर रही हूँ, हर रोज मैं जिसे चाहती हूँ उसे अपना लेती हूँ। ये गुलाम मेरे सामने हर रोज अपनी नुमाइश करते हैं।